राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने फॉर नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे भाई जो एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम है 5 और 6 नवंबर को, इसके बारे में भाई। जिस भी बच्चे की फीस पेंडिंग थी, जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया भाई, वो भी अपने एग्ज़ाम है जो वो दे सकता है। तो वो एग्ज़ाम कैसे देगा, उसका जो एडमिट कार्ड है वो कैसे मिलेगा और कहाँ पर उसको एग्ज़ाम देना होगा, इन सब बातों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे भाई। और साथ में भाई जो एग्ज़ाम है उसके लिए हरियाणा रोडवेज के अंदर जो किराया फ्री है वो भी कैसे होगा और क्या क्या ले जाना होगा साथ में एग्ज़ाम के लिए, तो इन सब बातों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे भाई इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिस भी बच्चे की फीस पेंडिंग है वो अपना एग्ज़ाम देने से वंचित न रहे, वो भी अपना एग्ज़ाम जो दे सके। तो भाई देख लो आप सभी, जिस भी बच्चे की फीस पेंडिंग है, फीस स्टेटस पेंडिंग होने पर भी दी जा सकेगी परीक्षा, परीक्षा केंद्रों पर ही मिलेंगे प्रोविजनल एडमिट कार्ड। यानी कि भाई जिस बच्चे की फीस पेंडिंग है भाई, उसको प्रोविजनल एडमिट कार्ड है जो वो परीक्षा केंद्रों पर ही दिए जाएंगे। यानी कि आप किसी भी परीक्षा केंद्र के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड है जो वो दिए जाएंगे भाई। फीस पेंडिंग होने पर भी दी जा सकेगी परीक्षा। कौशल ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण के समय फीस का भुगतान तो किया था और ई ग्राम पर भी उसका फीस का भुगतान वेरीफाइड दिखा रहा है, तो परंतु किसी तकनीकी कारणों से उसकी फीस का स्टेटस है जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के डाटाबेस में दर्ज नहीं हो पाया। ऐसे अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रोविजनल एडमिट कार्ड देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी और अपने साथ उन बच्चों को फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य लेकर जाए, उनकी पहचान होने पर उनको परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी शिफ्ट के समय से 1 घंटा जल्दी पहुंचे, ताकि उनके प्रोविजनल एडमिट कार्ड हैं जो वो जारी किए जाएंगे। यानी कि भी जिन बच्चों ने फीस तो कटवाई थी लेकिन किसी कारण उनकी फीस है जो वो पेंडिंग है, ऐसे बच्चे परीक्षा केंद्रों के ऊपर जाकर भाई लगभग 1 से 2 घंटा पहले उन बच्चों को जाना होगा और वहाँ से उनको प्रोविजनल एडमिट कार्ड है जो वो मिल जाएंगे भाई। उन सभी बच्चों से विशेष रिक्वेस्ट है भाई कि आप परीक्षा केंद्र के ऊपर जाकर वहाँ से प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा दें भाई। आज से एडमिट कार्ड किए जाएंगे जारी भाई, एडमिट कार्ड जो वो जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी को भी किसी इस प्रकार की समस्या है तो भाई वो इन टोल फ्री नंबरों पर कॉल करें, 1800-5728-997 पर कॉल कर सकते हैं। 5 और 6 नवंबर को 4 शिफ्टों के अंदर जो ये परीक्षा होगी, प्रत्येक शिफ्ट में 2,80,000 के करीब अभ्यर्थी हैं जो वो परीक्षा देंगे भाई। 4,38,000 महिलाएं हैं और 9,700 के करीब लगभग दिव्यांग अभ्यर्थी हैं भाई। 4 नवंबर शाम के 5 बजे तक नज़दीकी डिपो या सब डिपो में जाकर करें अग्रिम बुकिंग भाई। यानी कि जिन बच्चों को भाई दूर का सफ़र है या दूर परीक्षा है, तो वो आज यानी कि 4 नवंबर को शाम के 5 बजे तक है जो अपनी सीट को बुक कर सकता है भाई। रोडवेज में मुफ्त यात्रा मिलेगी भाई, साथ में अपने एडमिट कार्ड है जो उसकी फ़ोटो लेके जानी है। अगर कोई लड़की है उसके साथ घर वाला जाता है तो भाई उसके लिए उसका पहचान पत्र ज़रूरी होगा, जिससे उसको फी को जो हरियाणा सरकार ने सुविधा दी है उसका वो लाभ उठा सके भाई। और जो ठहरने की व्यवस्था है भाई, जहाँ पर भी आपका परीक्षा केंद्र है उसके आसपास ठहरने की पूरी व्यवस्था जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। तो आप सभी लोगों को जिसका भी एग्ज़ाम, उनको बेस्ट ऑफ लक, आप ज़रूर जॉब लगें भाई, अच्छा एग्ज़ाम दे के आएँ। थैंक यू दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए अपने यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भाई, वहाँ पर हर नोटिस, हर फॉरम की सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।